और कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि अपने सभी अस्पतालों में एंटिसिपेट करके कि अगर कल को केसेस इत्यादि की संख्या किसी भी कारण से बढ़ती है या आइसोलेशन इत्यादि के लिए हमें सस्पेक्टेड लोगों को भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ में आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अपने सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ आइसोलेशन के वार्ड्स उनको तुरंत डेवलप कर लें। यद्यपि ये इंस्ट्रक्शन तो हमने उनको सारे देश के अस्पतालों को पहले भी दी हुई है और पीछे हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को हमने लास्ट वीक आपको बताया था, हमने सारे देश भर में उनको भेजा था और वो दो दिन पहले सारे देश में हर स्टेट्स में लगभग विजिट करके जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं एंटिसिपेशन में आगे अगर कोई हमें ज़रूरत पड़ती है और एयरपोर्ट्स पर वो सारी की सारी वो देख कर वापस आए हैं। जहाँ भी उनको कोई भी सजेशन देना था, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, वो सारा कुछ वो करके आए हैं। और ये सारी बातें दिल्ली में अभी हमने आज दिल्ली के अधिकारियों से, जो खासकर अभी कोई भी केस आता है तो अब कम्युनिटी के अंदर उसको आगे स्प्रेड ना हो उसको कंटेन करने के लिए जो क्लस्टर अप्रोच होती है जिसमें एक 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोशिश की जाती है कि एक एक घर के अंदर हम जाकर सबसे संपर्क करें। जैसे अभी जो कल 2 केसेस दिल्ली और तेलंगाना के अंदर रिपोर्ट हुए थे तो दिल्ली के केस की जब हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स वगैरह की लगभग शायद 66 के करीब लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए जो दिल्ली का केस था, तो उसमें दिल्ली में जो केस था दत्ता जो दिल्ली के केस की ट्रेसिंग करने पे पता लगा कि उसने आगरा के अंदर अपने रिलेटिव्स को ही जो है उसने आगरा में जाके इन्फेक्ट कर दिया और उसके केस के कारण उसके परिवार में ही 6 पॉजिटिव केसेस आ गए। तो आगरा के अंदर जो है उसके उसके परिवार के तो आप एक बार सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद कोई आपके मन में बात होगा तो, क्योंकि एक चीज़ का फ्लो टूट जाता है ना बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज। तो फिर उसके बाद वहाँ के जो ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोगों ने उसके आसपास के जो 3 किलोमीटर्स के डायमीटर में एक एक घर में, बिकॉज दैट इज़ द इस तरह की चीज़ों में जो क्लस्टर के अंदर कम्युनिटी में चीज़ें स्प्रेड ना हो दैट इज़ द वे टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। वरना तो जिससे कोई संपर्क करता जाएगा जब तक आपको पता लगेगा कि ये भी हो सकता है और आप उसको आइसोलेट करेंगे उसके पहले वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट इज़ वॉट वी हैव एक्चुअली एम्फेसाइज्ड एवरीथिंग बिफोर द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी हमने कहा है और उनको ये भी कहा है कि जो सर्वेलेंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ और अच्छे जो डॉक्टर्स और उनके साथ और दूसरी टीम लगाकर उन टीम्स को भी वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन कर दें, आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी तरीके से डेवलप कर दें और लगातार भारत सरकार की जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं हमारी जो है, क्योंकि रैपिड रिस्पांस टीम तो ट्रिगर कर सकती है, एक्शन को इनिशिएट कर सकती है सारे देश के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को ही जो है दे हैव टू टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। तो ये हमने एक उनके साथ बातचीत करके आज ये मीटिंग की है दिल्ली के सभी लोगों के साथ। तो आई थॉट कि एक तो आपको सूचित कर दें, अभी 3 बजे हम लोग अपनी एक आज फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग करेंगे और अभी सुबह हम लोगों ने इनफैक्ट कल ही ले लिया था ये निर्णय कि अभी तक हमने बताया था लास्ट टाइम जब आपसे मिले थे कि हम 12 जो कंट्रीज़ हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे थे,
लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसा सोचा है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के देश से भी जो है लोग आके इन्फेक्ट कर रहे हैं, मैं दूसरा अभी इटालियन के बारे में अभी आपको बताऊंगा, तो अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहरी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे, ये ऑल फ्लाइट्स एंड एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, दैट इज़ वन डिसीजन दैट वी हैव टेकन। दूसरा जो अभी हमने कल शायद आपके साथ नहीं शेयर किया था, लेकिन कल इंटरव्यू वगैरह में डिस्कस किया था कि हमारा हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं, अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं, और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। अगर वहाँ की सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि कस्टम्स वगैरह से सारे ये इक्विपमेंट को क्लियर कराना होता, तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम वहाँ ईरान के अंदर भी एक लैब को एस्टैब्लिश कर दें, और जो लोग वहाँ से ईरान से हमको वापस लाने हैं उनको अगर हम प्रेफरेबली टेस्ट करके लाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको हम विषय को अभी अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जानकारी आपको देनी है कि एक इटालियन ग्रुप, ये करीब 23-24 लोगों का ग्रुप, जो ये मच बिफोर लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए में ये इटली जो है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का भी पार्ट नहीं था, तो उनमें से एक मेंबर को बुखार इत्यादि हुआ जयपुर के अंदर, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही उसके उसका पॉजिटिव हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उनके ग्रुप के जितने भी लोग थे उनको हम लोगों ने पहले वो वापस जाना भी चाहते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वापस आने के लिए मनाई किया, तो हमने उनको तुरंत आइसोलेट करके जो ITBP का हमारा जो कैंप है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया था उनके ग्रुप के बाकी लोगों को। तो अभी वो जो ग्रुप है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ये है कि वो जो एक व्यक्ति जिसको पॉजिटिव पाया था उसने अपनी वाइफ को भी उसने इन्फेक्शन दिया, तो उसकी वाइफ भी पॉजिटिव आई, और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए उसी, दे आर ऑल इटालियंस। ये जो इटालियन जो ग्रुप टूरिस्ट जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, हु हैड कम टू इंडिया मच बिफोर वी वर स्क्रीनिंग पीपल कमिंग फ्रॉम इटली, उनमें से एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया वो पॉजिटिव आया, तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके ITBP कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस 1 इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। तो दिस इज़ द इनफैक्ट 15 वो हो गए, और वो एक प्रकार से उनका हस्बैंड और वाइफ हो गए, तो वो एक्चुअली 17 हो गए उस ग्रुप में से, तो टोटल 17। तो अभी ये देखिए, अभी आपको हमने सारा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तीन केसेस ऑलरेडी केरल में आए थे, केरल में आने के बाद वो ठीक होके घर चले गए, फिर एक केस दिल्ली में आया, उसने अपने 6 घर के रिश्तेदारों को आगरा में इन्फेक्ट किया, और एक उसके ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे, ही हैड गॉन टू आगरा ऑल्सो। हमने तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया ना, 66 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेस किया उसका, उसमें आगरा के अंदर भी हमने सारे लोगों को जितने भी कॉन्टैक्ट पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हैं वी हैव बीन ट्रेसिंग एवरीथिंग, तो उसी के कारण उसने जो है अपने जो रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, दैट इज़ हाउ वी कुड कैच इट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। और जो दूसरा वाला केस था वो तेलंगाना के अंदर आया था, जिसके उसके भी लगभग
88 के करीब जो है कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेस किया गया। तो अभी एक ये इटालियन ग्रुप, एक ये दिल्ली में केस आया, इसने अपने रिश्तेदारों को इन्फेक्ट किया, और इसके साथ साथ जो तीन केरल में आए, और ये आगरा वाला मैंने बताया ना, छः लोग बताया ना। देखिए दिल्ली में जो एक केस आया उसने छः को इन्फेक्ट किया अपने रिश्तेदारों को। इटालियन जो ग्रुप आया, उस इटालियन ग्रुप ने अपने ही ग्रुप के जो है खुद को मिला के 15+2 17 लोगों को उसने अपने ही ग्रुप के इन्फेक्ट किया, जिसमें 17 में जो है एक इंडियन है जो ड्राइवर है, 16+1 कह सकते हैं आप उसको जो है। अभी इसमें एग्जैक्ट जो, अब आप उसको टोटल कर लीजिए जो आपको मैंने बता दिया है, जो कितनी बार बताएंगे अभी देखिए। ये अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि तीन लोग केरल में आए थे ठीक हो गए, एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ विच इज़ विद अस। 27 हो रहा है, चलिए आई थिंक मेरा ख्याल से मैंने ठीक जोड़ के बताया, लेकिन ये इतना कोई इशू इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द इशू, वो एक ज़्यादा है या एक कम है। एग्जैक्ट मैंने आपको, तो अभी ये देखिए, पहले भी हमने ये बात आपके थ्रू रिक्वेस्ट किया कि एक तो कोई किसी भी तरह का हम आप सब सहयोग करें, कोई पैनिक इसके बारे में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि बीमारी ये तेज़ी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। साधारण प्रिकॉशंस, सिंपल प्रिकॉशंस हैं कि सबसे बड़ी मेजर चीज़ तो यह है कि मेरा ख्याल से अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट देखा, थोड़ी देर पहले उन्होंने किया, कि हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मैनी पीपल। नॉर्मली जो इसका जो स्प्रेड होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरा जो थूक है या उसकी जो छोटे छोटे कण जिसे ड्रॉपलेट कह सकते हैं जो बाहर जाएगा, उसके साथ 1 मीटर तक कम से कम फासले पर मैं किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए, और फिर दूसरा जो है एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है। तो अगर इन्फेक्शन किसी को है, हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंडशेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है नमस्ते करके हम कर लेते हैं। हाथ को जो है अगर ये भी एक तरीका हो सकता है, इसे सेफर तरीका रादर देन दिस कि मैं अपने खांसते छींकते समय हम टिश्यू पेपर का यूज़ करें, उसको फिर डिस्ट्रॉय करें प्रॉपर जगह पे, ट्रैश उसको उसमें पहुंचाएं, और हाथ को बार बार अपने मुंह पर, नाक पर, आंखों पर हम ना लेके जाएं। जिन सरफेसेस को हम बार बार टच करते हैं उनको क्लीन रखें। ये कुछ ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं। ट्रीटमेंट इसका लाइक एनी अदर वायरल इलनेस है कि भाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर बुखार है तो हमें बुखार के लिए पैरासीटामोल लेना पड़ेगा और प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स, यही इसका, या रेस्ट, ये ब्रॉडली ट्रीटमेंट है। मॉर्टेलिटी इज़ ओनली 2%, बट
जिसका एक भी किसी को तकलीफ होगी उसके लिए तो वो 100% है ना, उसके परिवार के लिए। तो इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेके और प्रॉपर रेस्ट करके, और हम खासकर अगर कोई सस्पेक्टेड है तो उसको ये भी इंश्योर करना है कि वो किसी दूसरे को, अपने घर वाले को या रिश्तेदार को ना दे, इसलिए कम से कम वो तो मास्क ज़रूर यूज़ करे। ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं ये आपके माध्यम से भी ज़्यादातर लोगों को पहुँचे, टेलीविज़न के माध्यम से बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं, ट्वीट्स के माध्यम से हमारे मिनिस्टर, दूसरे लोग, सब जगह से, हमारी मिनिस्ट्री से भी जा रहा है, सब जगह से जा रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये लोगों को आप बताते रहें, हम लोग को आपको जो जो चीज़ें हमारे ध्यान में आती जाएंगी या आवश्यक होंगी वो सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी टेस्टिंग अभी हमारा, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास, अभी हमारे जैसा पहले भी बताया कि लगभग 3000 से ज़्यादा हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव्स हैं इनके बारे में आपको बता दिया। 15 लेबॉर्ट्रीज हमने पहले एस्टैब्लिश की थी फर्स्ट फेज़ में ही, अभी 19 लेबॉर्ट्रीज और एस्टैब्लिश कर दी हैं, जिसमें से 7-8 कल शुरू हो गई हैं, बाकी सब आज शुरू हो जाएंगे। टोटल अब 15+19 और हो गए। देखिए ये मैंने 15+19 जो है अभी हमारी हो गई है, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि हम 50 तक तो हम लोग जो है कभी भी एक्सपेंड करके ले जा सकते हैं। अभी जब हम अगर ईरान में जाकर लेबॉर्ट्री एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी उसके लिए हमारी ऑब्वियसली कोशिश है कि जो हमारे लोग बाहर हैं वो भी वापस आना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए वहाँ से जो भी लोगों को लाया जाए उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और या उनको लाकर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अभी हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसके बारे में डिटेल में चर्चा वगैरह करेंगे, लेकिन अगर फैसिलिटी की वहाँ पर अगर उनके पास लोकल फैसिलिटी नहीं है तो हम अपनी तरफ से भी ऑफ़र कर रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग दैट फैसिलिटी। हम यहाँ से आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिक भी जा रहे हैं 4 बजे की फ़्लाइट से, एक ऑलरेडी जा चुका है, 3 और जा रहे हैं ईरान, और सामान भी आज रात को जा रहा है हमारा जो है यहाँ से। यही हमारी ये तो ICMR ही करता ना, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये वायरल लैब्स तो सब वही देखता है जो डॉक्टर बलराम भार्गव का डिपार्टमेंट है। किस चीज़ की टेस्टिंग? हम जितनी आवश्यकता, हम अभी 25,000 तक कर सकते, मतलब डेली तो जितनी जितना भी आएगा उतनी ही टेस्ट करेंगे ना, हर एक 50,000 1,00,000। अरे ऐसे नहीं होता है, 50,000 1,00,000 वी हैव एनफ फैसिलिटीज जो है। आप चिंता मत, पीएम ने कहा है, सभी से अपील की है, उन्होंने भी कहा है कि वो होली नहीं मनाएंगे क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी ने भी सारे प्रदेशों को कैंसिल करने को कहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री किस तरह की एडवाइस देगी? नहीं नहीं देखिए मैंने तो मैंने मैंने नो ऐसा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं 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 आप उसको रॉन्गली मत इंटरप्रेट करिए, ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर भेजना कोई ना स्कूल के अंदर भेजने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं, मान लीजिए कोई एक पब्लिक गैदरिंग है उसमें 100-500,000 लोग इकट्ठे होते हैं, तो अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, दैट्स ए सेन एडवाइस। और इससे ज़्यादा मतलब इस कोई स्कूल में तो इतना ही है कि भाई स्कूल में भी अगर बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स ना करें, और जो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट एंटिसिपेशन में वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कुछ कैपिंग लगाएंगे, डबल से ज़्यादा रेट हो गया N95 मास्क। देखिए अभी ये तो अगर कोई भी समाज में इस समय दुरुपयोग कर रहा है
समय का दुरुपयोग कर रहा है, उसके कारण इस तरह की जो आप बातें बता रहे हैं कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उसको तो ब्लैक शीप की तरह उसको लेबल भी करना चाहिए और उसको जो भी मैकेनिज्म टू पनिश हिम है वो भी जरूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि होली नजदीक है और ऐसे में चाइना से बड़ी मात्रा में वहाँ पे गुलाल पिचकारी और तमाम चीज आती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किसी तरीके की एडवाइजरी देखिए, मैंने अभी आपको बता दिया ना, अभी प्राइम मिनिस्टर तक ने इतना बड़ा ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं होली में कोरोना वायरस के कारण पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा जो है कोई देश के अंदर कोई मार्गदर्शक तो होता नहीं है। अब बड़ा स्पष्ट है, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर बोल रहा हूँ कि भाई अगर हम गैदरिंग्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेशन अवॉइड करते हैं तो इट इज़ गुड, इसमें कोई अब नॉर्मल बात कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये किसी भी व्यक्ति को सब कुछ इक्विप्ड है, सब जगह बराबर फैसिलिटी है। NIV जो है सबसे पुरानी पेरेंट लैब है, इसलिए एक हम लोगों ने डबल चेक रखा हुआ है मैकेनिज्म कि एक जगह का किसी को पॉजिटिव डिक्लेयर करने के पहले जो है तो एक दूसरी हमारी हाईएस्ट लैब से भी हम लोग सेकंड कंफर्मेशन करते हैं। मान लीजिए ये सपोज करिए भगवान ना करे नंबर बढ़े तो ज़रूरी नहीं कि हम डबल कंफर्मेशन, अभी जब तक हम डबल कंफर्मेशन करें इट इज़ लाइक बीइंग डबली श्योर। इस नेगेटिव होता है तभी आप वहां भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए? नहीं 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 देखिए, वो किसी भी अस्पताल में जाएगा, अपने जो डॉक्टर को कंसल्टेशन करेगा, अपनी बात बताएगा, ये निर्णय डॉक्टर करेगा कि उसको क्या करना है, डॉक्टर उसको सही एडवाइस देगा। अभी देखिए ऐसा है, अभी मैंने कहा ना जितनी चीजें जानकारी आपको देने के योग्य मेरे पास इस समय थी मैंने सब दी है। अभी 3 बजे हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मिलेगा, कोई और जानकारी होगी आपको भेज देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इनफैक्ट सेइंग दैट जो सस्पेक्टेड केसेस हैं अगर उनका फर्स्ट सैंपल कंफर्म हो जाता है तो वो केसेस बोल दिया जाता है, शुड वी वेट फॉर द NIV देन टू कंफर्म? नहीं नहीं, हम लोग तो देखिए हम लोग नहीं बोलते हैं, आप लोग तो मीडिया को देखिए, मीडिया को तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक कोई चीज को हम नहीं बोल रहे हैं तो आप ये तो 1 महीना 2 महीना पहले कोई RML में आइसोलेशन में जाता था उसको बोल देते थे इतने केसेस। मैंने तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आप लोगों से अपील किया था। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए अभी मैंने कल शाम तक का जो मेरे पास था, अभी क्योंकि वो 3-4 बजे आता है, कल शाम तक लगभग 589,000 लोगों की टिल यस्टरडे वी हैड स्क्रीन्ड अबाउट 5,89,000 पीपल एट अवर एयरपोर्ट्स, ओवर 15,000 एट अवर माइनर एंड मेजर सी पोर्ट्स एंड ओवर 10 लैक्स एट द बॉर्डर्स विद नेपाल, दैट वॉज द नंबर, एंड अबाउट 27,000 पीपल वर अंडर कम्युनिटी सर्वेलेंस टिल यस्टरडे। स्टेटस क्या पॉजिटिव इज पॉजिटिव स्टेटस में तो कोई जिस समय जो चीज स्टार्ट होती है उसके बाद ही तो वो इम्प्लीमेंट होगी, उसके पहले कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगी? कल बताया था ना आपको, कल आए थे आप, परसों आए थे, तो चार कल 3 तारीख को जो लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी दी थी उसमें
चाइना के अलावा चार देशों के बारे में आपको बताया था, कल के प्रेस नोट में भी आपको दिया था हमने, इटली के बारे में, ईरान के बारे में और वो जापान के बारे में और कोरिया के बारे में आपको कल बताया था। जितनी जानकारी जिस समय है उतनी आपको दे दी, आगे कोई नई जानकारी होगी आपको बताया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।